पार्टी की तौर आइडियोलॉजी थकमे सौगपी पोम लाइ सपोर्ट तौम उख्रूल चिंगाई फुंगयर कारों माओ तदुबी तामई तमेंलों तुंगबा तेंगलोपल सांदेल एरिया अखोई नगा की इसल नौ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हाजब थम लोनना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी मणिपुर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर लाए ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी ना नरेंद्र मोदी जी नरेंद्र मोदी जी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ना ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ना ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ना बीजेपी ना बीजेपी ना बीजेपी ना सबसे प्यारे देश अपने प्रधानमंत्री जी आ गया है। अभी प्रधानमंत्री जी का भाषण सुने हम थोड़ा सा प्रधानमंत्री जी को हम वेलकम एक मिनट में हम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपके लिए हम सब एक सब उठ के मोदी जी ना हम आपको प्रणाम करता हूँ। अपनी तरफ से मणिपुर प्रजा सबकी तरफ से और खास करके जो आज वर्चुअल मीटिंग में जो शामिल हो रहा है 22 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी का कार्यकर्ता की तरफ से प्रजा की तरफ से हम आपको प्रणाम करता हूँ। नेतृत्व में जो मणिपुर में जो चेंज आ रहा है ये तो हम सब प्रजा ने देखा है। तो कल जो फर्स्ट फेज जो पंचायत का जो इलेक्शन हुआ उसी में ही रिजल्ट आ गया सर। आपने जो प्यार दिया है आपने जो मणिपुर के लिए जो किया है तो आपके नेतृत्व में जो जो स्तर में हुआ है इसके लिए कल आउट ऑफ 38 में सर हम लोग अभी उम्मीद कर रहे हैं 26 से 30 तक मिलने का हम लोग उम्मीद कर रहे हैं सर। तो ये आपके प्यार और आपने जो किया है अभी बोल रहा था आप आने से पहले बोल रहा था सर कि अगर जो पेंडेमिक में जो किसी को माँ को भी त्रस्त नहीं कर सकते खुद बेटे को भी त्रस्त नहीं कर सकते आप उसके पास में जाके पूछ भी नहीं सकते ऐसा ही हालत ऐसा ही सिचुएशन पेंडेमिक में 2 साल पूरा अगर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसी से जो हम लोग 5-5 kg चावल नहीं मिलता होता और वैक्सीनेशन नहीं करता होता तो हम लोग यहाँ में हम बैठ के आपके साथ बैठ नहीं सकता हम नहीं जीता होकर बोल के अभी हमने बात था सर। तो आपने हम सबको जिंदा रखा है आपने हम लोग को मदद किया है इतना क्रूशियल टाइम पे जो दुनिया में सब भाग गया उसी टाइम कि हम लोग को हम है बोल के हम लोग को जो जीने का मदिया है उसके लिए हम आपको जरूर 40+ का एब्सोल्यूट मेजोरिटी बीजेपी का सरकार बना के आपको दे देंगे हम इसका वादा कर रहा हूँ। इतना बोलते हुए हम आपको प्रणाम करता हूँ और स्वागत करता हूँ। जय नवा जय हिंद। नमस्कार आईगी नोंगसी जराबा मणिपुर की चिंग अमृत तमगी इचिल इनाऊ
पुन्नो मप्यो खुरुमजरी। सबसे पहले मैं इबुधौपा खंगवा इबुधौ थांगचिंग और भगवान गोपीनाथ को प्रणाम करता हूं। मणिपुर की ये धरती रानी गाइदिल्यो हाईपाओ जादोनांग जनरल थंगाल जैसे अनेक राष्ट्र भक्तों की भूमि है। ये राजा भाग्यचंद्र और सेनानायक पौना ब्रजवासी जैसे वीरों की धरती है। मैं इन महान आत्माओं को आदर पूर्वक नमन करता हूं। साथियों, मणिपुर की इस ऐतिहासिक धरती ने कल एक नया इतिहास रचा है। और जैसे मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि पहले ही राउंड में जनता ने आशीर्वाद दे दिया है और कल पहले चरण के चुनाव में मणिपुर ने यह तय कर दिया कि पूर्वोत्तर में अब विकास का सूरज ही उगेगा। जिन लोगों ने मणिपुर को इतने दशकों तक पीछे धकेला, मणिपुर को अस्थिरता दी, उन्हें अब यहां के लोग फिर मौका नहीं देंगे। अब अगले चरण में भी मणिपुर में बीजेपी की उसके सहयोगियों की पूर्ण बहुमत की सरकार के लिए ही वोट पड़ने वाले हैं। साथियों, मणिपुर में पिछली सरकारों को लगता था कि यहां के लोगों के पास विकल्प ही क्या है, उनके लिए मणिपुर भ्रष्टाचार करने का एक ठिकाना भर था। कांग्रेस ने मणिपुर का विकास नहीं किया, मणिपुर को शांति और खुशहाली से दूर ही रखा। कांग्रेस ने अलगाववाद को बढ़ाया, हील और वेली के नाम पर लोगों को बांटने के षड्यंत्र रचे। इन लोगों से मणिपुर के लोगों को हमेशा सावधान रहना है। साथियों, हम सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास की नीति पर चल रहे हैं। भाजपा सरकार गो टू हिल्स गो टू विलेज जैसे जोड़ने वाले अभियान चला रही है, जिसके कारण इनके षड्यंत्र टूट रहे हैं। और जैसे जैसे कांग्रेस की बांटो और राज करो की नीति ध्वस्त हो रही है, वैसे वैसे ही कांग्रेस पार्टी भी ध्वस्त हो रही है। भाइयों और बहनों, भाजपा के लिए मणिपुर और पूर्वोत्तर हमारी राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय आस्था का केंद्र है। मणिपुर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे स्वर्गीय मधुमंगल शर्मा, मेरे बहुत ही अच्छे मित्र रहे वो, सालों तक हमने ज्यादा काम किया। मधुमंगल शर्मा जी ने इस धरती के लिए अपना बलिदान दिया। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बनने के बाद
इस क्षेत्र के विकास के लिए अलग से मंत्रालय बनाया था, लेकिन 2004 में जब यूपीए की सरकार दिल्ली में आई तो उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के विकास पर ध्यान देना बंद ही कर दिया। अटल जी के बनाए मंत्रालय को निष्क्रिय बना दिया। कांग्रेस का फोकस मणिपुर का विकास नहीं, मणिपुर को लूटने पर था। यहां तक कि इनके नेताओं को मिस्टर टेन लाया जाता था। ये लोग लूट में इतने मगन थे कि इनके पास मणिपुर के लोगों की तकलीफें, उनका दुख दर्द समझने का समय ही नहीं था। भाइयों और बहनों, मणिपुर का विकास, मणिपुर का संतुलित विकास, ये भाजपा की प्राथमिकता है। हमने एक ऐसी सरकार चलाई है जिसके दरवाजे हमेशा जनता के लिए खुले रहते हैं। जो सरकार खुद जनता के दरवाजे चलकर जाती है, अब सरकार की कैबिनेट मीटिंग भी हिल डिस्ट्रिक्ट में होती है। वीरेंद्र सिंह जी मणिपुर के लोगों के लिए बहुत ही सहज उपलब्ध रहते हैं। मियामी नुमित और हिल लीडर्स डे जैसे गवर्नेंस मॉडल विकास का नया आधार बन रहे हैं। केंद्र सरकार के मंत्री भी अब ज्यादा से ज्यादा मणिपुर और पूर्वोत्तर आते हैं, और मैं खुद पूर्वोत्तर के विकास कार्यों की निरंतर समीक्षा करता हूं। एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर चलते हुए हम मणिपुर के विकास को नई गति दे रहे हैं। साथियों, ये समय आत्मनिर्भर भारत और भारत के अमृतकाल का समय है। देश ये लक्ष्य तभी हासिल करेगा जब देश का हर राज्य एक साथ आगे बढ़े। ये दशक मणिपुर के विकास और प्रगति का दशक है, और मणिपुर इस दिशा में आज तेजी से आगे बढ़ रहा है। जिस मणिपुर को कभी यहां की सरकारों ने बम और ब्लॉकेड में जकड़ कर रख दिया था, वही मणिपुर आज पूरे भारत के लिए एक्सपोर्ट और इंटरनेशनल ट्रेड का गेटवे बन रहा है। यूरोप और एशिया को जोड़ने वाला एशियन हाईवे प्रोजेक्ट मणिपुर से गुजर रहा है। साथियों, जब नियत में निष्ठा होती है तो नतीजे भी आते हैं। मणिपुर को आजादी के बाद से पहली ट्रेन का इंतजार था। भाजपा शासन में ही ये इंतजार खत्म हुआ और मणिपुर रेल लाइन से देश के बाकी हिस्सों से जुड़ा है। बंगाई चुनपाओ इम्फाल रेलवे लाइन भी निर्माणाधीन है। मणिपुर को दशकों से अच्छी कनेक्टिविटी का इंतजार था। आज मणिपुर में नए हाईवे बन रहे हैं। आज नए मणिपुर की पहचान स्किल, स्टार्टअप्स और स्पोर्ट्स में बढ़ रही है। स्टार्टअप इंडिया के साथ स्टार्टअप मणिपुर कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। प्रदेश सरकार
5,500 से ज्यादा स्टार्टअप्स को मदद दे रही है। आने वाले समय में हमारी सरकार 100 करोड़ रुपए का मणिपुर स्टार्टअप फंड भी बनाए स्थापित करेगी। मणिपुर में निवेश और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी बनाए जाएंगे। इन अवसरों के लिए हमारे युवाओं को तैयार करने के लिए मणिपुर स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना भी की जाएगी। मणिपुर के लिए ये संकल्प भाजपा ने लिए हैं और यहाँ के लोगों के साथ मिलकर भाजपा ही इन्हें पूरा करेगी। साथियों, हमारे मणिपुर ने देश को मैरी कॉम और मीराबाई चानू जैसे खिलाड़ी दिए हैं। यहाँ के युवाओं में खेलों की असाधारण क्षमता है, लेकिन खेल सुविधाओं के लिए युवाओं को भटकना पड़ता था। मणिपुर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना का काम भी डबल इंजन सरकार ने ही किया है। हमें इसे इंटरनेशनल लेवल का स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट बनाना है। साथियों, डबल इंजन सरकार से इसके पहले मणिपुर को दशकों तक मूलभूत सुविधाओं के लिए इंतजार करना पड़ा। अब जाकर ये इंतजार खत्म हो रहा है। आपको पक्के घर देने के लिए, गैस कनेक्शन देने के लिए, आपके घर तक अच्छी सड़क पहुंचाने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। आज जल जीवन मिशन के तहत मणिपुर के घर घर में पानी पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। 5 सालों में पाइप कनेक्शन का कवरेज 10 गुना से ज्यादा हो गया है। आज बेहतर इलाज के लिए आयुष्मान योजना की सुविधाएं आपके पास है। डबल इंजन सरकार अगले कार्यकाल में मणिपुर में एम्स की स्थापना भी करेगी। कोरोना के इस काल में हमारी सरकार मुफ्त राशन से लेकर मुफ्त वैक्सीन तक सबकी व्यवस्था कर रही है। साथियों, मणिपुर हमेशा से भारत की एकता अखंडता का प्रतिनिधित्व करता रहा है। यहाँ के लोगों ने आजादी की लड़ाई में अपना बलिदान दिया था, लेकिन कांग्रेस ने मणिपुर के इस इतिहास को, इन बलिदानों को और नेताजी को कभी सच्चे मन से श्रद्धांजलि तक नहीं दी। मोईरांग का संग्रहालय बनाने में भी इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया था। इनके इन पापों का हिसाब हमें वोट की ताकत से करना है। मणिपुर को रोकने थे कि ये जो सपने देख रहे हैं उन्हें जवाब देकर विकास की इस यात्रा को नई ताकत देनी है। डबल इंजन की सरकार के लिए मैं आपका निरंतर आशीर्वाद चाहता हूं। 5 तारीख को आप बड़ी संख्या में मतदान करें, मणिपुर की शांति के लिए मतदान करें, मणिपुर के विकास के लिए मतदान करें, मणिपुर के भविष्य के लिए मतदान करें, यही अपेक्षा है। और मैं मुख्यमंत्री जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, वहां सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रथम चरण में जिस प्रकार से उन्होंने
उत्साह के साथ लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया और एक प्रकार से विजय सुनिश्चित किया। इसलिए मैं मणिपुर के भारतीय जनता पार्टी के हर छोटे मोटे कार्यकर्ता को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं मणिपुर के नागरिकों को भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने मणिपुर के विकास को प्राथमिकता दी है, मणिपुर की शांति को प्राथमिकता दी है, मणिपुर के उज्जवल भविष्य को प्राथमिकता दी है और इसलिए मणिपुर की जनता का भी हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।